पे मैंने 2 सेकंड व्लॉग क्या डाला, कीरत ने आटा गूंद के 4 परौंठियां बना दी है और पनीर की सब्जी कल खाई थी। चलो आ जाओ। हम ये इसलिए खा रहे क्योंकि आज है सैटरडे और हम उठे ही 12:30 बजे। हम पहले उठे, मैं तो 7 बजे उठ गई थी। इसने मुझे उठाया, मैंने स्ट्रेचेस करी, उसके बाद ये कहती मुझे बड़ी नींद आ रही है, मैं कहा चल सो जा। ये बात इसकी वजह से मैं भी सो गया, ठीक है, स्ट्रेचेस वगैरह करके घूम फिर के घर में, उसके बाद इतनी गहरी नींद, फिर उठे और अभी बस 1-1.5 घंटे में हमें निकलना है, हमारी मीटिंग है। हेलो वेलकम बैक टू द चैनल कर दो। हेलो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल है। मेरे काम की वजह से मीटिंग है, हो सकता है कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बने आगे जाके, सो लेट्स जस्ट सी, होप फॉर द बेस्ट। तो बिजनेस के तो ऐसे ही होता है भाई, जाके मिलोगे तब पता लगेगा। रिलेटेड टू मार्केटिंग। हां मार्केटिंग लगा लिया, स्प्लिट्स लगा नया एपिसोड। क्या कर रहा है? मैं तो स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कीरत का, मैंने कीरत को बोला अभी लेट हो रहे हैं, क्या बोलते जाके कपड़े निकाल, कहती ठीक है और फिर कॉफी पीने लगी। मैं कहा जाके कपड़े निकाल, कुकू टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे पता आधे घंटे में रेडी नहीं होती है। कहती कपड़े निकाल रही हूँ। मैं कैसे? कहती अपने माइंड में। और नहीं तो क्या, मेरे को अपनी क्लोजेट देखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे आके बंद करती हूँ, मुझे पता चल जाता है मैंने क्या पहनना है। तो तैयार वगैरह हो के निकल पड़े हैं मीटिंग्स कर लिए, मीटिंग तो होगी 1 घंटे की। हमने बैग में उठा लिया मोनो डील, उसके बाद मैं और कीरत शायद टफरी मार ले और कोकुटलम के रास्ते में हो रही है बारिश, ज्यादा ट्रैफिक दिखा रहे हैं, हम शायद 2-4 मिनट लेट पहुंचे, जो मैं चाहता नहीं हूँ कि हम लेट पहुंचे, आई वांट टू रीच बिफोर टाइम। अच्छा कीरत ने ना मेरे को एक कीर्तन सुनाया, बट वो लोफी में गाया हुआ था टाइप्स, फुल भीड़, ऐसे लग रहा था जैसे कि ना पहाड़ों में जा रहे हो और कोई मतलब मध्यम सॉन्ग टाइप चल रहा है, तो मेरे मुंह पे चढ़ गया। ये बीवियों की ट्रिक्स होती है पतियों को धार्मिक बनाने की, और ये वाला वो कीर्तन है सुनना। तुम मिलते ऐसा नहीं लग रहा मैक्लोडगंज के ट्रैक पे चल रहे हो और ऐसे गाने चल रहे हैं राम राम से, ऐसे तो शिवजी के भी गाने ऐसे ही चलते हैं, तो बड़ा वो फीलिंग आ रही है। इस कपड़ों में ज्यादा चमक नहीं रहा, वो एक्चुअली लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, देखियो। एनी हाउ बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस वीडियो, वी वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, शीन। यस गाइस, आजकल आप लोग देख रहे हो मैं बड़े प्यारे प्यारे निटवेयर पहन रहा हूँ, ऑल थैंक्स टू मी, आई हैव बीन ऑर्डरिंग रियली नाइस स्कूल स्टफ फ्रॉम शीन। और ये मैंने ऑर्डर किया था फियांची के लिए, फियांची मेरे को कह रहा था तेरे बड़े अच्छे नेटवेयर होते हैं, मेरे को भी ऑर्डर करके दे, क्या क्वालिटी है एंड क्या रीजनेबल प्राइसेस पे, नेक्स्ट लेवल, लव इट। मतलब के एक्चुअली जारा वगैरह ऐसी क्वालिटी है, मैं ऑफिस वाले में भी फियांची तुमने देखा है ना, इसने तो देखा है, ही लव्ड इट, सो मैंने कहा चल मैं फियांची के लिए भी ऑर्डर करके देखती हूँ, एंड इसके भी उतनी प्यारी क्वालिटी, इवन बेटर। ये जो आप देख रहे हो ऑफिस पहन के जाती हूँ, ये भी मैंने शीन से ली है, सो ब्यूटीफुल ड्रेसेस, टॉप्स वगैरह। अपने चैनल पे मैं सेपरेट हॉल बनाऊंगी पक्का, आपको भी ऑर्डर करना है आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हो एंड यू कैन गेट एडिशनल 15% ऑफ। बाकी एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, मेरे वीडियो पे भी कमेंट आया था कि कीरत वॉश करने के बाद कैसा रहता है, मैंने अपने भी जैसे जो स्पोर्ट्स वेयर ऑर्डर किया था वो भी इतनी मल्टीपल टाइम्स वॉश कर चुकी हूँ मैं, बावजूद भी बहुत बढ़िया रहता है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वाला स्वेटर भी फियांजू ने वॉश करके पहना हुआ है, फियांजू ऐसे कभी भी मतलब के बिना वॉश के नहीं पहनता होता, तो मैं वॉश करके ही सारे एलर्जी हो जाती है। एनीवे लेकिन हाँ, जो भी निटवेयर होते हैं ऑलवेज वॉश इट इन वूल सेटिंग, कभी भी नॉर्मल वॉश मत करो, मैंने बहुत सारा कपड़े खराब किए हैं मेरे, सो एक्सपीरियंस से ही मैंने अब सीख लिया है। ये सीन तो मैं जितनी बार देख लूँ उतना कम है ना, ऐसे मुंबई वालों को भी ऐसी फील होता होगा, उनका भी ऐसी ही है ना। माई वाइफ इज लिटरली ऑब्सेस्ड विद बीसी, बहुत पसंद है, बहुत सुंदर भी है। मेरा मन पता क्या कर रहा है कि मैं तो शीशे खोले और ऐसे मतलब बाल बुल खराब होंगे, मैं तो जुड़ा कर रखा मेरे नहीं होंगे, बट अच्छी हवा ऐसे ले। पिछले 10 मिनट से इतनी अचानक से इतनी तेज बारिश होगी, मैं तो उतर ही नहीं रहा, मेरे बाल खराब हो, मेरे कपड़े खराब, कुछ नहीं होता, थोड़ा गीला हो जाएगा सूख जाएंगे, मैं तो नहीं निकल रहा आगे। नहीं वो भी मीटिंग वाले भी पहुंचे नहीं है, कोई अंडरग्राउंड पार्किंग ढूंढ गिर, मैं स्लोगी 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 भाई, अचानक से इतनी तेज बारिश हो गई, डाउनलोड कर ली मैंने, हाँ तो फिर अपलोड कर चलते हैं, अभी निकलते हैं। बाबू इतनी भी स्लो नहीं हुई कि मैं उतर जाऊँ, होगी यार, क्या तुक्का तुक्का पड़ रही है बारिश, तुक्का तुक्का नहीं, सारे मेरे बाल खराब हो जाने ना भाई, अब से रन तो ना हो पाएगा, मीटिंग वोटिंग होती रहेगी, तैयार हुआ मैं अपनी बीवी से कहीं बैठ के पत्ते खेल लूंगा, इसके बाद मेरे नए शीन के कपड़े जो भाग रहे फियांशु। अपनी बीवी को बता दिया बाबू, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, आई डोंट केयर, हेट इट, हेट इट, ये देख आ गया, ओह शुक्र है भगवान का, थोड़ा सा ही आया बाबू, हेट इट हेट इट हेट इट। प्रॉपर रोटी ट्राई कर लिया है, यहाँ पे कड़क चाय मिलती है, प्रॉपर कड़क है वो, अगर आपको ज्यादा थिक नहीं है, इट्स क्वाइट नाइस एक्चुअली, मुझे अच्छी लगी पर्सनली।
और इनके बंस भी बहुत फेमस है, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई अगर आपने नहीं करा अभी तक ट्राई. वैंकूवर में भी है, मैं नेक्स्ट लोकेशन वहाँ पे जाऊँगी. बाकी मीटिंग हो गई है, हम जा रहे हैं घर. एक्चुअली क्या है, थोड़ी देर बैठ सकते थे हम दोनों का दिल तो था, बट हुआ क्या, मेरी बैक में ना पेन होने लगी तो मैं उससे बैठा नहीं जा रहा. तो भी हाफ एन आवर तो घर जाने में लगे ड्राइव करके, फिर मैं स्ट्रेचेस वगैरह शुरू करना चाहता हूँ. मीटिंग से पहले इतनी बारिश हो रही थी और अब देखो. अरे वो वाली बारिश तो एकदम से ही शुरू. प्रियांशी की तबीयत ठीक नहीं है, इसका फिर से बैक पे झटका आ रहा है, स्टिफ हो जाता है. मोनोडील भी नहीं खेल पाया. अपन घर जाके खेलते, अच्छा नहीं लगेगा ना. कैफे में एक लड़का नीचे जमीन पे लेट लेट के तांगे ऐसे घर जाके नहीं खेलना चाहिए. घर जाके मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी. एक और आपको एक गुड न्यूज देनी है, आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, बता दूं. फाइनल हो गए. चलो ठीक है, स्टे ट्यून. कीरत से पूछता है कि कैसी लगा आपको मीटिंग में आके, ज्यादा परेशान तो नहीं हुए आप? फनी पार्ट इज, मैंने बताया ना कपल से मीटिंग है, द बॉय वॉज एग्जैक्टली लाइक कीरत, द गर्ल इज एग्जैक्टली लाइक मी. ऑपोजिट अट्रैक्ट. ये तो मैंने बहुत देखा है. हमने टेबल फैन का लिंक नहीं डाला हुआ, मैंने कमेंट पढ़ा है. मैंने डाल दिया था. मैंने पूछा. इंडिया का नहीं डाला क्योंकि इंडिया में मिलता ही नहीं वो. ओह आई लव दिस सॉन्ग. बढ़िया गाने याद रहते मेरे लड़के को. सोके हसी धागों में कहीं कोई हो ऐसे तू. मेरे बाल वाइट होते हैं देख लिए. आई लव यू. तेरे वालों से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वाइट है, मैं ठीक है कोई बात नहीं. अपने समझो बहुत फर्क पड़ता. तेरे को तो मैं किसी भी स्टेज में बर्दाश्त करके प्यार कर लूं. अपने समझो तो फिशी तेरा वाइट बाल. ऊपर से जिम नहीं जा रहा तो शक्ल मोटी हो रही है. ऊपर से मैं इसको पराठे खिला रही हूँ. ऐसी शक्ल कर लेता देखो, अभी शक्ल ऐसी है. पहली बार मैंने एम्बुलेंस को रॉन्ग साइड दिखाते हुए. इनको अलाउड है भाई? नहीं तो ऑब्वियसली अलाउड है, बट मैंने पहली बार, जैसे तू मुझे कहती है ना हमेशा कि दूसरी साइड भी रुकना होता है, वो तब मैं देखता हूँ कि जब डिवाइडर होता है, डिवाइडर नहीं था तब आ गई. मैंने फियांचो लिटरली डिवाइडर को क्रॉस करते हुए भी देखा. एम्बुलेंस को? हाँ. ये तो हमेशा मुझे बोलते हैं कि जब एम्बुलेंस आ रही होती है, चाहे बड़ा मतलब चाहे बड़ा नहीं बट चाहे डिवाइडर भी हो, दूसरी साइड वाले को भी रुकना है. बट फिर मैं पता क्या, साइड पे हो जाओ चाहे सामने से क्यों ना आ रही हो. You're always supposed to park your car on the side. Mere mohalle mein chaand dawaya, Eid jalaya hai, ye to nahi. Ammi ne meri suit silaya, ab dikhaya hai, tu hi to nahi. Ye kaun hai, kaun hai, tu hi hai. Saari haseeno ke dil tod jana. जैसे है नदी आग धीमे धीमे कह रही है, कहीं ना कहीं खामोश दोनों है, मदहोश दोनों है ना, शायद यही है प्यार. कभी कभार क्या होता है, प्यार में कुछ बातें अनकही रह जाती है. ऐसा कहीं है सारी क्या रहती है अभी भी? बहुत जल्दी. अभी गाइस घर जा ही रहे थे, एकदम से साथ में मोमेंटम बना कि सुशी खा लें. बट तेरे को ज्यादा खुशी गेस कर किस चीज की होगी जब मैं बोलूंगा कल वाली दिल चाहता है कंटिन्यू कर लेंगे. That's true. Thanks, Pianchi. I love you. धूप बढ़ी है यार. जब बारिश थी तब तो कह रहा था बारिश हो रही है, अब धूप आ गई तो कह रहा धूप. Hi there. I want to order one veggie combo. Why so complaining? Sorry. अच्छा मौसम है, अच्छी गाड़ी, अच्छी सिटी, अच्छा खाना, अच्छी कंपनी, अच्छे कपड़े, अच्छी सांस, अच्छी नाक. थोड़ी धूप भी कम कर सकते हो. ये क्या मतलब बना? क्या उन्होंने मेरी, अच्छा मेरे लिए उन्होंने बारिश कम करी? आई अपोलोजाइज. कभी नहीं करना. ओके
आए पड़े हैं। ठीक है, अब तो लेने जा रही सुशी। नहीं लूंगी, तेरे को क्यों भेजूंगी, मुझे पता नहीं है क्या मेरे बाबू का वो। आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। दिल चाहता है लगा दे। चल लगा, लगा रहे हैं विशी, लगा रहे हैं, रिलैक्स भी करो। एक और बड़ी अच्छी बात, बाय द वे, कल सायरा का बर्थडे है और उसकी पार्टी है बहुत दूर यहाँ से, तो हम लोग वहाँ पे अगर नाइट से करते हैं तो सुबह सुबह हमारा प्लान है। जुड़े रहना व्लॉग का, बड़ा खतरनाक बन रहा है। और इसी बात पे वो कर लो, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि हम परसों देखने वाले कैस्केड फॉल्स, बड़ा खतरनाक व्लॉग होने वाला है, खिल जाओगे। ये देख लेते हैं कॉमेडी नाइट से, कब? काफी बड़ी बात होती है। टाइम मार लो, वो कोक भी अपने पास ऐसे बोलते हैं, अच्छी कम्बो मैं तो अपनी बीवी को अप्रोच लगाता हूँ, देखती हूँ। बाबू एक ही वो मिली है सुशी, चॉपस्टिक। मैं हर बार जाता हूँ, कंफर्म करके आता ना, टू चॉपस्टिक एक्स्ट्रा। एक वन बाय वन कर लिया, इतनी जगह से सुशी खा चुके हैं हम, इसकी एक्चुअली बहुत अच्छी है, इसकी बहुत अच्छी है, बहुत रीजनेबल भी है। जो नहीं हम डोसा खाने गए थे मंजान के साथ में, जो सुशी प्लेस है वो भी कह रहे अच्छी है, नेक्स्ट टाइम वही की ट्राई करेंगे। अभी हम सरी में थे ना, जल्दी जल्दी वाला है, अगर एक एक चॉपस्टिक से शेयर कर रहे हैं तो हाथ में ही रखने का, मुंह में डालो और नेक्स्ट बंदे को पास ऑन करो। छोटा कर दिया, बहुत बड़ा मिलता था। शकी औरत, खाना पीना खाकर वी गोइंग होम। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और देखो हाउ ब्यूटीफुल द डे इज। 6 बज रहे हैं? यस, मुझे लग रहा है ऐसे 3 बज रहे हैं। यार एक बार विस्लर का टेम्परेचर तो देख के बता। बाबू घर चल, काम बहुत। अरे घर ही जा रहे हैं, विस्लर की जैसी ड्राइव तो कर ही। आई हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ वर्क। यू आर अ क्यूटी पाई, आई लव यू, आई नो दैट। टाइम फॉर वाटरमेलन। नो चिका, यू आर नॉट गोना ईट दिस। घर आके फिर से खाना शुरू, घर के बाहर फिर से खाना शुरू। यहाँ पे टीवी देख रहे हैं और ये देखो कैसे कैसे आके ऐसे सोता है। इन्ना बारू कोची कोची, इन्ना बारू मेरा बच्चा, जस्ट लव इट, जस्ट लव इट। बेटर टुगेदर, फियांशु हमारा नेक्स्ट 5 इयर्स की प्लान्स लिख रहा है, फिर आपको नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद बताऊंगी कि इसमें से क्या सच हुआ क्या नहीं। चिकू को घुमाने आई थी मैं बाहर और ये देखो चिकू का फ्रेंड भी आ गया। ओए चनी रुक जा रुक जा रुक जा, इतना खेल ले ये अभी, मेरे को भी सांस चढ़ी, इतना रन 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 करवाया इन्होंने। गुप कुम्मी कर ली थी ना, चलो अंदर। नो नो नो, चलो अंदर, चलो ये देखो अटक गया। नो चलो चिकू चिकू चिकू, चलो देखो कैसे अटक गया, के नहीं मेरे को नहीं जाना। उधर बच्चा है, इसको देख के बंद करें। अभी अभी मैंने प्लान बना लिया है, मैं अपनी बाय द वे वो भी कर रही हूँ, नाइट टाइम हेयर रूटीन बिफोर वी एंड आवर डे, बट एंड हो नहीं रहा एक्चुअली, बिफोर वी बिगिन आवर नाइट। नाइट क्या होने वाली हमारी, नाइट वाइल्ड होने वाली हमारी। कीरत ने आउट ऑफ नोवेयर प्लान बना लिया गाइस, तो हम सब जा रहे हैं और बड़े सारे शौक में है कि कीरत ने आज प्लान बनाया। मैं जाने से पहले वेट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं मम्मा का ना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाला हूँ, अपनी क्रेडिट कार्ड का एड ऑन, ताकि उनको एयरपोर्ट वगैरह चाहे इंटरनेशनल लॉन्जेस हो या फिर हो दिल्ली वाला, वो फ्री मिल जाए। आज हर्ष मेरे लिए DQ से इतना बड़ा आइसक्रीम स्मूदी शेक, क्या क्या बोलू, इसको ब्लिजर्ड कहते हैं, ब्लिजर्ड, ओ माय गॉड, ये आते हैं इतने बड़े उसमें? अच्छा अच्छा, ब्लिजर्ड का ये, दिस इज ब्लिजर्ड। मैं कहा भाई प्यार में कहीं कोक के उसमें तो नहीं डाल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इसमें कोक भी आती है वैसे, बट दिस इज ब्लिजर्ड। अच्छा नहीं नहीं, ब्रांडिंग हुई है। वैसे हर्ष 4 चम्मच लाए, मैंने तीनों के फेंक दिए, मैंने सिर्फ मैं खाऊंगा। क्योंकि भाई आई हैव अ स्वीट स्पॉट, पिघली हुई है तभी तो मजा आएगा इसको, पिघली हुई मैं पिघली आइसक्रीम खाता हूं, आई लव इट। कैसी है, स्कोर डाला है इसमें? हां डाला तो, परफेक्ट। हर से तो दोस्ती तोड़ दो भाई, हम तो कभी इससे वो ही नहीं कर पाएंगे वेट लॉस वगैरह कुछ। कैसी है, इतनी मेरी आवाज नहीं कर रही, तनिषा फिर पूछी कैसी है, मगर 50 किलोमीटर जाना, नहीं मैं कह रहा हूँ तेरे बेबी के बैग का क्या हुआ, अभी लग रहा है कि 44 मिनट इतनी दूर जाने से अच्छा हम कहीं और जाके कुछ बेटर खा सकते हैं। टाइम भी बचाएंगे, बहुत ज्यादा दूर है खाने के, एट द एंड बट एक सेकंड, इतना
लॉजिक क्यों डाल रहे बात को भाव नाओ को समझो दीदी बता रही एक्साइटेड एक तो ये लड़की उस दिन 10 बजे के बाद रो रही थी मुझे घर जाना है भावना जी अब रात को 12 बजे भावना जी सही बात ये हमें भी इन्फेक्ट कर रहा है गरीब मेरा एल्गोरिदम खराब कर रही है आपको हम जा रहे थे दूर सीरियसली जाके खाना के चिकन चिप्स नहीं भाई और भी बहुत कुछ मिलता है क्या मिलता बताओ मैं जाके देखू मिल्क शेक इट इज एक्चुअली डेनिस मेरे को पता है मैं कह रहा हूँ मिल्क शेक तो पी लिया बाबू सोच ले एक बार नाचो फ्राइज अच्छे मिलते हैं वैसे बस तो उधर ना जाए हम डेविल्स एल्बो प्लीज रोको मत चलते हैं घर नहीं चलते भी सही बोला कल इतनी दूर जाइए किसी बात सही लगी है उसकी गर्मा की ये बात मैंने बोली थी हमारा क्या फॉन्ट अलग था आप समझते ही नहीं हो चलो ठीक है ओके इधर पास में ही चल लेते हैं पिंडी पिंडी तो मैं बिल्कुल नहीं जा रहा डायलॉग है मूवी का स्विमिंग पूल नहीं मिला तो गटर से काम चला नहीं हम पिंडी भी जाएंगे कभी ना कभी जाएंगे आज नहीं हाँ, बस चलो रॉक वैली चलो आपको ये कह रहे हैं ठीक है आप तो बोल दिया एक महीने बाद हर्षी पिंडी की मार्केटिंग कर रहा सी देखो देखा पिंडी आई एम चैलेंजिंग यू ऑन दैट आज पता क्या कहेगा देखो मेरे मार्केटिंग करने से पहले आपके बारे में क्या बोलते थे आप देखो क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं फियांशु की रीति वहाँ पे चेस कर रहे हैं चाय के बेस्ट चाय ट्रक चाय उनकी बड़ी इसके के $20 दे दी इसकी पेमेंट साइड पे रोक लेते हैं ये गैस स्टेशन ले ले दस नहीं जाती गैस स्टेशन मना कर देती है वो खाना क्या ये बता एक काम करते हैं सुन टू ट्राई न्यू प्लेस आज इधर ने पहला प्लान बनाया इतना क्योटिक प्लान बनाया आउट ऑफ नो वेयर इतनी चल वही चलते हैं लेके चलते चलो यार अब निकल तो गई है तरीशा को बात कर रहे थे ये होता है मेरे हस्बैंड आए नहीं है अच्छा चल रहा है ये काम नहीं करेगी एकदम से कैमरा ऑन हुआ हर्ष पे प्रेशर आ गया हर्ष अरे मैं तो बीच में बैठा हर्ष और बदोबदी ओए होए होए ਗਲਾਸ ਫੜਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਦਾਗ ਤੇ ਲੋਈ ਬਟੋਣ ਤੇ ਦੀਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਰਸ਼ ਕੋ ਕਿਉਂ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਬੈਠਾ ਅਬ ਇਹ ਸਿਲ ਗਿਆ मैं किसकी कसम खाऊं कि मैं इतनी देर से ये सोच रहा था मतलब अगर 3 बच्चे हो गए हमारा जीना आराम कर देंगे एक बच्चा उधर शांत बैठा हुआ है दो आपस में लगे मैं गाना लगाऊंगा और दोनों के गाने टट्टी एक नंबर के कि मैं बिल्कुल एंजॉय मैं लिटरली ऐसे देख रहा मैं कितनी एनर्जी एक बेचारा हमारा बच्चा उधर शरीफ बैठा हुआ है प्लीज पकड़ा दो आपने बहुत बेइज्जती की खुद ही बोला सड़क लगाना है ये वही है ये दोनों बीच और ये छोटे वाले बहन भाई है जिनकी आपस में लड़ते हैं मैंने ये कैसे यार ऐसी होएगा बहुत बड़ी गाड़ी रहने वाली इनको पीछे फेंकेंगे हम 7 सीटर टेस्ला लेंगे बीच में तनीषा बैठेगी हर्ष गरीब एंड में बैठेंगे इनको ना एयरपोर्ट से लाके दो अपने अपने बैठ गए हमारी गाड़ी में पिकनिक में लेकर आते बस में मैं लेके गई हूँ स्कूल के तनीषा मार मुक्का इसको मना कर दिया बीटिंग बताओ बाद में बॉयज जोक्स दोस्तों माय वर्ल्ड गोज अपसाइड डाउन
देखो कितनी उगी है और एकदम से जंगलों में से क्योटा निकला है, फिर और ज्यादा मजा आएगा। नहीं हम पता गड्डी बॉर्डर लगता है भाई, ये तन्नू के आगे दो बार भाग के निकला। रिमेम्बर द रुकून दैट टुक आवर ब्रेड। गाइस बिल्कुल ऐसी वाली फील है कि जैसे ना रिवरडेल का एपिसोड चल रहा है। एंड इट्स अ गुड थिंग कि मैं हाई स्कूल में हूँ, सारे हाई स्कूल वाले बच्चे घूम रहे हैं आसपास। ब्रिंग आउट द बिग गन, विक्टिम कार्ड। एक्चुअली हम मोनोडील आए थे, बट मुझे याद है कि मैं किन का हैंग आउट कर रहा हूँ, तो मैं छोटी गन भी लेके आया हूँ। मोर यू बाय थिंग स्टफ हर ऑप्शन आर गेटिंग एलिमिनेटेड सो दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग। नाचो प्लेटर एंड दिस इज बेल्जियम वॉफल, वो है डिस्को फ्राइज, इन्होंने मंगाया चिकन बर्गर। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मतलब ये मेरा रिव्यू नहीं है, ये सबका है। मेरा रिव्यू पहले दे दो। खाना बहुत बकवास है, चुइंगम चबा के खाओ यार, और वही खाना। हां अपने फूड रखो और इधर बैठो। हां गप्पे मारो गप्पे। द ओनली थिंग व्हिच इज नाइस इज दैट कोक जीरो व्हिच इज ओरिजिनल। अच्छा अच्छा वेरी गुड, खाना इज वेरी गुड। बहुत ही गंदा खाना, खाना खूना खा के अब हम कैलोरीज बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं जो गंदी गंदी कैलोरीज अंदर ने ली। बट यार मिशन भी बढ़िया लगा ऐसे रात को ना, इतना लोग ऐसे ही बोलते हैं कि डेड हो गए फन चल रहे हैं। हाँ, बट शायद इसी एरिया में। कल भी हमें लंबे रोड ट्रिप पे जाना है, तो मैंने कहा कि आज ही रात को चार्ज करते हैं, इनके गप्पे गुप्पे भी मार ही रहे हैं। रात के बज रहे 2:30 बजे हम आए छोटे वाले सुपर चार्जर पे, लंबा वाला थोड़ा सा दूर था, हमने कहा चलो कोई बात नहीं आधे घंटे में हो जाएगी। ऑफिशियली आई नीड टू चेंज माय एंटायर कंपनी। दिल चाहता है नहीं देखी, दिल चाहता है नहीं देखी, देखिए बहुत बचपन में देखिए, याद नहीं है, याद नहीं है ये कैसे लोगों साथ हैंग आउट कर रहे हैं। मैं आपकी कंपनी में देखी, मैंने देखी नहीं, मैंने देखी नहीं, ये ट्रांजिशन बड़ा अच्छा था। तुम सब मेरे घर पे इनवाइटेड हो, दिल चाहता है प्रोजेक्टर पे देखनी, उसके बाद हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। मम्मा का लाडू है दोस्तों, घर पहुंच गए, फैमिली कंप्लीट हो गई है। गुड नाइट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। लव यू गाइस, बाय।